मराठीमध्ये ही टाकळ्याची भाजी म्हणतात आणि ही टाकळ्याची भाजी कशी असते, वो टाकळा का सब्जी कैसा होता है, वो एक तो मी मराठी हिंदीमध्ये का बोलतो, लोक म्हणतात मराठीमध्ये का बोलत नाही, हिंदीमध्ये ह्यासाठी बोलतो की माझे जे सबस्क्रायबर्स आहेत ते जास्त हिंदीवाले आहेत म्हणून मी हिंदी बोलतो आहे। कळलं? अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो वो टाकळा की सब्जी कैसी होती है, ती कशी असते, कशी ओळखायची ती दाखवतो तुम्हाला। हे बघा, ही असे टाकळाची सब्जी असते। हे बघा, ही फुलं असतात पिवळी, पिवळी फुलं असतात आणि ये देखो याचं पिला पिला फूल रहता है ऐसा, ये होता है इसका। ये देखो इसको कैसा पहचानना है, इसका स्मेल बहुत गंद, बदबू बहुत आता है इसका स्मेल बहुत आता है, गंदा स्मेल आता है। ये देखो, और ये कोई जानवर खाता नहीं है लेकिन आदमी खाता है। ये सब्जी बहुत अच्छी होती है और इसका जो इसको फल आता है, इसका बीज आता है, इसका हम कॉफ़ी बना सकते हैं। ये जब फूल आता है तब इसको बड़े बड़े ये आते फल आते, क्या उसे मराठी में शेंगा बोलते, शेंगा, तो उसका जो हम कॉफ़ी बना सकते हैं। तो हम अभी ये निकालेंगे और सब्जी कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। और इसका जो है ना, ये जो है ये छोटा छोटा पत्ता लेना है, ये छोटा छोटा पत्ता लेना है इसका, ये वाला छोटा छोटा जो है कवळी पानं घेणार आहे, घ्यायची कवळी पानं, कवळी पानं आहे ना घ्यायची, ये छोटा छोटा पत्ता लेना है, उसकी सब्जी बनाना है। और कोई जब भी कोई ये आप सब्जी लेके जाते हैं जो बारिश की सब्जी, वो पहले धोना है अच्छे तरह से, उसके बाद वो बनाना है। ओके, अभी हम निकालेंगे इसको। मैंने अभी जेब के अंदर, ये देखो मेरा जेब है, जेब के अंदर है, ये लाया है, बैग लाया है, इसमें भरेंगे और छोटा छोटा निकालेंगे। अब दिखाऊंगा अभी, ये देखो एक ही जगह लेना है, बनाएंगे हम। ओके, अभी बनाएंगे और वीडियो स्किप नहीं, पूरा देखना, वो घर में जाके बनाएंगे हम, इसकी सब्जी बना के दिखाएंगे आप लोगों को, समझ में आया? पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना। हम अभी ले लिया सब्जी, जितना चाहिए था उतना ले लिया मी, घेतलं सगळं, सब भाजी एवढी पाहिजे एवढी पाहिजे घेतली। इथं सगळी झाडं आहेत बघा, ही सगळी भरलेली आहेत बघा, टाकायची भाजी सगळी आहे इथं भरलेली काय, आणि ती आता जाऊन मी बनवणार आहे। चला माझा व्हिडिओ पूरा बघा तुम्ही, पूरा व्हिडिओ देखो और आप कैसी सब्जी बनाते वो दिखाऊंगा मैं। ये देखो पूरा इधर रहता है, ये देखो कैसा पहचानना है, देखो पीले पीले फूल आते हैं इसको, पीले पीले फूल आ रहे, एक ही जगह होते हैं सारे चीज़। ये देखो ये पीले पीले फूल है, इसको बोलते हैं टाकळा की सब्जी, समझ में आए, टाकळा की सब्जी बोलते हैं। ये बारिश के दिन आता है, ये सिर्फ बारिश के दिन मिलता है आप लोगों को। ये देखो मैं इधर आया, अभी ले लिया, अभी बनाऊंगा, अभी मेरे को टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा, नहीं तो शाम को बनाऊंगा मैं। ओके, ये जो टाकळा की सब्जी है जो मैंने अभी लिया है, वो कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा, कैसा कुकिंग करते हैं वो बताऊंगा। वो क्या करना है, ये जो छोटे, ये जब छोटे छोटे पत्ते आपने निकाला है, ये सिंगल सिंगल पत्ता लेना है, ये ऐसा ये निकाल देना पूरा बीच वाला, ये सिंगल सिंगल लेना है, अच्छे तरह से धोने के बाद अच्छे तरह से धोना है इसको, फिर इसको छोटा छोटा करके काटना है, फिर अपना एक प्याज ले लो, लहसुन ले लो, अदरक ले लो और हरी मिर्च ले लो, तेल और क्या है उसमें जो चटनी होती है, जो कोल्हापुरी चटनी होती है, जो स्पेशल चटनी होती है वो डालो, तीखा होना चाहिए, तीखा बनाना है उसको। अगर आप दाल डालते हैं तो दाल भी डाल सकते हैं, और उसको पका देना है कम से कम 20-25 मिनट तक पका देना है। उसके बाद ये बहुत टेस्टी, वो अपना एक भाकरी लेना, जो रोटी होती है रोटी ले लो, रोटी के साथ खा लो, समझ में आया? वो अभी मैं, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा और बनाऊँगा अभी। ओके, इसका बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अभी बनाऊँगा आगे जाके, वो भी वीडियो पूरा देखो। ओके, बाय बाय। मैं सिर्फ पत्ता ले रहा हूँ, ये देखो सिर्फ पत्ता ले रहा हूँ, ये देखो पत्ता ले रहा हूँ, अभी इसको मैं बनाऊँगा। पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना वीडियो मेरा।
कैसा बनाना है वो सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा, खुद बनाऊंगा। ये देखो ये टाका की सब्जी है, ये देखो पूरा वीडियो देखो, स्किप नहीं करना। ये जो ये देखो ऐसा है ना, ये छोटा छोटा, ये सिर्फ पत्ता पत्ता लेना है। ये देखो समझ में, पूरा सब्जी कैसा बना था वो दिखाऊंगा, पूरा स्किप नहीं करना, पूरा देखो वीडियो। तो हम धोएंगे अभी फर्स्ट क्लास, पूरा धोएंगे फर्स्ट क्लास, फिर छोटा छोटा काटेंगे। इसको हम पतला पतला काटेंगे अभी। और हमने एक प्याज लिया, ये जो मसाला चटनी लिया, ये रेड चिल्ली पाउडर लिया, लहसुन लिया और एक मिर्ची ले लिया। और इसको हम अभी बनाएंगे, समझ में। इसको हम तुरंत बनाएंगे अभी, पूरा रेसिपी देखो आगे। डाल लिया, मूंग दाल भी डालेंगे इसमें, ओके। और इसको लहसुन को हम पीसेंगे, ओके, और मूंग दाल ले लिया। पतला काट रहे हैं इसको, पतला पतला काटेंगे, पतला पतला करेंगे इसका। ये देखो पतला पतला करेंगे, फिर अभी इसका बनाएंगे, अभी पूरा फोड़नी देंगे, ऐसा पतला पतला काटना। लहसुन डाल दे, देखो भाई अभी डाल रहा हूँ मैं इसको। दाल डालते इसको पकाना है, इसको पकाना है 20-25 मिनट तक पकाना है, अच्छे तरह से पकाना है 20-25 मिनट तक। और थोड़ा सा नमक डाल देना है, ओके। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वॉचिंग। लाइक मैं मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग। देखो भाई और बहनों, टाकड़ा की भाजी, टाकड़ा की सब्जी, ये अभी टाकड़ा की सब्जी खा रहे मैं खा रहा हूँ। ये अपना रोटी है, नाचने की रोटी है, रागी की रोटी है, उसके साथ खा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास लगता है। ये देखो आके देखता हूँ, थोड़ा रुको, वीडियो निकालने में तो प्रॉब्लम होता है भाई और बहनों, अकेला निकालता हूँ, सेल्फी वीडियो ये सब। वाह क्या लग रहा है। मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, बाय बाय।